नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे चेहरे के लिए योग, जो खास तौर पर बना है झुर्रियों के लिए। उम्र के बढ़ने की प्रक्रिया हमारी प्रकृति की देन है, इसलिए उम्र के साथ बढ़ने पर चेहरे पर झुर्रियां आना भी सामान्य है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके कारण ये झुर्रियां जल्दी पनपती हैं और चेहरे पर उम्र से पहले ही दिखाई देने लगती है। तो मैं आपको बताऊंगी कुछ बड़े कारण, जिनको अगर आप अपने जीवन से हटा देंगे तो आपके चेहरे का निखार बढ़ जाएगा और झुर्रियों का जो प्रक्रिया है आने की, वो थोड़ी धीमी हो सकती है। सबसे बड़ा कारण है सूर्य की किरणें, जिसमें यूवी रेज होती हैं। दूसरा होता है धूम्रपान, अगर आप स्मोकिंग करते हैं। तीसरा, तनाव, स्ट्रेस के कारण बहुत जल्दी आपके चेहरे पे झुर्रियां आती हैं। इसके साथ महिलाएं जब मेकअप करती हैं, अगर वो ढंग से नहीं निकलता है तो पोर्स क्लॉग होने से भी आपको झुर्रियां नजर जल्दी आती हैं। इसके साथ प्रदूषण, अगर वातावरण गंदा है तो उससे भी झुर्रियां जल्दी आती हैं। इसके साथ पानी की मात्रा कम अगर आप पीते हैं तो उससे भी झुर्रियां जल्दी आती हैं। महिलाओं में हॉर्मोन्स के असंतुलन के कारण भी झुर्रियां जल्दी आती हैं। साथ में प्रेगनेंसी के बाद यानी कि गर्भावस्था के बाद भी झुर्रियां जल्दी पनपती हैं। और आखिरी है अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स, तो हमारी जो परिवार होता है उससे हमें कैसी त्वचा मिली है वो भी डिसाइड करती है कि कब आपको झुर्रियां आना शुरू होंगी। अब बात करते हैं कि ये झुर्रियां होती क्या हैं। आपके चेहरे पर क्रीज पड़ जाती हैं, रेखाएं आ जाती हैं और जो स्किन है वो ढीली होके सिमट जाती है और फिर वो दूर से एक लाइन के रूप में आपके चेहरे पर दिखाई देती है। ये ज्यादातर होती है आपके माथे पर, आपके आंखों के कोनों पर, इसके साथ जो हमारे लिप्स होते हैं उसके आसपास, स्पेशली इस जगह पर। और ये तब होता है जब धूप पड़ती है या जब हम तनाव में होते हैं, तो हम अपने चेहरे को बहुत सिकोड़ते हैं और धीरे धीरे वहां पर क्रीज पड़ना शुरू हो जाती है। ये योग आप रोजाना कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं, खाली पेट, भरे पेट, कैसे भी। सुबह को और शाम को करना बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे बदलाव नजर आए तो ये योग आप रोजाना 21 दिनों तक कीजिए और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको रिजल्ट्स मिले या नहीं मिले। इसको शुरू करने के लिए आपको अपने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं लगाना है, आप पूरा चेहरा अपना धो लीजिए और उसके बाद अपने चेहरे पर तेल लगाइए। तेल आप कोई भी ले सकते हैं, या तो आलमंड्स का यानी कि बादाम का तेल या फिर कोकोनट का। नारियल का तेल मुझे सूट करता है तो अभी मैंने अपने चेहरे पर नारियल का तेल ही लगाया हुआ है। ये सेशन आप मेरे साथ कर सकते हैं, स्क्रीन पर काउंटडाउन आ जाएगा जिसको आप देखते रहिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसको नाक के दोनों तरफ, इस तरफ जहाँ पे कोना है वहाँ पे रखेंगे, आंख बंद करेंगे और थोड़ा सा प्रेशर देंगे, कम से कम 15 सेकेंड के लिए। लंबी और गहरी सांसें लेते रहिए और प्रेशर बना के रखिए, सांस रोकेंगे नहीं। धीरे से हाथ को नीचे ले आइए। शुरू करते हैं दूसरी क्रिया से। इसमें आपको क्या करना है, आपकी जो जीभ है वो आपके गाल के अंदर घुमानी है, ठीक है। एक बार क्लॉकवाइज 5 बार करेंगे ऐसा, और फिर दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। तो दोनों गालों में ऐसा करना है। शुरू करते हैं। दूसरी तरफ 5 बार। आखिर में जीभ से धक्का देंगे अपने गालों की स्किन पे और वहां पे होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। आंखें बंद। यही चीज दूसरी तरफ। अब एंटी क्लॉक करेंगे 5 बार। अब होल्ड करना है 5 बार।
आंखें खोल दीजिए। अगली क्रिया में सांस नाक से अंदर लेंगे और बाहर भी नाक से निकालेंगे, लेकिन गालों को फुलाते हुए। एक बार करके दिखाती हूँ, उसके बाद 5 बार मेरे साथ ही रिपीट करना है। हवा निकालते वक्त गालों पे अच्छे से प्रेशर दें, नाक से ही सांस को बाहर निकालना है। चलिए 5 बार करते हैं। सांस अंदर, सांस अंदर, सांस अंदर, सांस अंदर। सांस अंदर। अगली क्रिया में आप अपने मुंह में एक पानी का घूंट भरेंगे और उसको अंदर घुमाएंगे। मैं आपको करके दिखाती हूं और ऐसा आपको करना है 10 बार। तो आपने देखा, मैंने पानी को लिया, 10 बार घुमाया और उसके बाद पी लिया। अगली क्रिया में भी पानी का घूंट लेंगे, लेकिन इस बार पानी को पहले एक गाल की तरफ फिर दूसरी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, 5 बार इधर, 5 बार दूसरी तरफ। चलिए शुरू करते हैं। अगली क्रिया में हवा जो है अपर लिप्स और लोअर लिप में भरेंगे, पल्सिंग करेंगे 10 बार और आखिर में 10 सेकंड के लिए होल्ड। चलिए शुरू करते हैं। आखिर में होल्ड, सांस अंदर लीजिए, धीरे से आंखों को खोल दीजिए। तो सबसे पहले हम करेंगे अपनी आंखों के नीचे मसाज। जो आपकी रिंग फिंगर होती है उस पे आपको तेल लगाना है और उसके बाद इस तरीके से धीरे धीरे पीछे तक लेके जाना है। सिंपल, कम से कम 10 से 15 बार आप कर लें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी क्रिया में इस तरीके से वी बनाएंगे। ऊपर वाली उंगली से जो ब्राउ है उसको हल्का सा लिफ्ट करेंगे, ऊपर उठाएंगे और इसको नीचे रखेंगे। बहुत ज्यादा खींचेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, ऐसे करके 5 बार करते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, सांस लेते रहे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, सामने देखें। इसके बाद ऊपर देखते हुए 5 सेकंड के लिए होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। अब नीचे देखें, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। हाथ नीचे आ जाएगा, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लें और फिर आपको खोल दें। तीसरी क्रिया में भी उंगली ऐसे ही रहने देंगे, अब साइड में देखेंगे। ठीक है, 5 बार, 2, 3, 4, 5, सामने देखें। अब लेफ्ट साइड में होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, दूसरी तरफ,
एक दो तीन चार पांच, सामने देखें, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस और हाथ आ जाएंगे नीचे। इस क्रिया में भी उंगली ऐसे ही रहने देंगे, आंखें गोल गोल घुमाएंगे 5 बार एक तरफ फिर दूसरी तरफ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चलिए शुरू करते हैं, साइड देखेंगे फिर ऊपर नीचे, एक दो तीन चार पांच, सामने देखें, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस, दूसरी तरफ शुरू करते हैं, आंख खोलिए, नीचे से शुरू, एक दो तीन चार पांच, आंखें बंद, हाथ नीचे। आखिरी क्रिया में हम क्या करेंगे कि अपने हाथ से वी बना के उसी तरीके से रखेंगे और दूसरे हाथ की जो उंगली है आंख बंद करके हल्के हल्के फेरेंगे इस तरीके से। दूसरी तरफ कर लेते हैं, आंखें बंद और इस तरीके से, हो सके अगर ड्राई लग रहा हो, सूखा लग रहा हो तो थोड़ा सा तेल और ले लें और इस तरीके से ऊपर की तरफ मसाज करेंगे। हाथ आ जाएगा नीचे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं गर्दन पे पड़ने वाली झुर्रियों के लिए योग। तो सबसे पहली क्रिया में हम इस तरीके से उंगली से वी बनाएंगे और अपना जो कान है उसके इस तरीके से रख के नीचे की तरफ लाएंगे, ये ठीक है, ये हम लिम्फेटिक मसाज बोलते हैं इसको। इससे हमारी लिम्फेटिक नोड्स क्लीन होती हैं और हमारे चेहरे की झुर्रियां और हमारे चेहरे पर ग्लो भी आता है, चमक भी आता है। तो ये तो आपको जरूर करना है। इस तरीके से वी बनाया, कानों के दूसरी तरफ रखा, दोनों तरफ जैसे मैंने दिखाया और नीचे इस तरीके से करना है। शुरू करते हैं 5 बार, एक दो तीन चार पांच, हाथ नीचे, आंख खोल लीजिए। दूसरा भी लिम्फेटिक मसाज का ही हिस्सा है। तो जो हमारी कॉलर बोन होती है, जहां पे हड्डी होती है, उसके सेंटर में दो उंगलियां रख के इस तरफ आपको थोड़ा प्रेशर देना है 15 सेकेंड्स के लिए। आंखें बंद कर लें और लंबी गहरी सांस लें। धीरे से आंखों को खोल दें, हाथ नीचे। तो अगली क्रिया में हम अपने होंठों से पाउट बनाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे और 10 सेकंड के लिए वहीं पर रुकेंगे, सांस लेते रहिएगा। अगली क्रिया में गर्दन ऊपर करेंगे और इस तरीके से आपको रोटेट करना है 10 बार। चलिए सांस भरिए, ऊपर जाइए, वापस आ जाइए। अब हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। इसमें आप अपने दांतों को इस तरीके से जोड़ेंगे, सांस अंदर लेंगे, नाक से बाहर। चलिए शुरू करते हैं,
दूसरी बार तीसरी बार पांचवी बार कर लेते हैं धीरे से आंखों को खोल दीजिए। ये सारी क्रियाएं जब हो जाएं उसके बाद में दो तरीके का मसाज करना है आपको, फटाफट से करते हैं। ये वाला जो हाथ है इससे इस तरीके से नाक के पास में रखना है और दूसरी जो हाथ है उसकी उंगलियों से इस तरीके से दबाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है? तो ऐसा हमें करना है 10 बार। चलिए शुरू करते हैं। एक, दो, तीन, सांस लेते रहें एकदम ऊपर ले जाएं, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। अगर आपके नाखून बड़े हैं तो आप ये दो फिंगर को इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी तरफ कर लेते हैं 10 बार। एक, दो, तीन, चाहे तो तेल लगा ले, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। हाथ नीचे। दूसरा मसाज क्या करना है, इस तरीके से उंगली को मोड़ के वी बनाएंगे, यहां पे रखेंगे, अंदर एकदम फंसाएंगे और टाइटली ऊपर लेके जाएंगे 10 बार। एक, दो, ऊपर जाके थोड़ा सा दबाएंगे, थोड़ा टाइट रखेंगे तब अच्छा रहेगा। तीन, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। हाथ ले आएंगे नीचे। तो ये हो गए हमारे मसाज, यहाँ पर खत्म। तो ये सारी क्रियाएं आपको करनी है। इसके साथ मैं कुछ टिप्स दे देती हूँ। जैसे मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ या मेरा चेहरा थका हुआ लगता है तो हमेशा आप बर्फ से अपने चेहरे की मालिश करें। बर्फ के 3 या 4 टुकड़े लें, उसको रूमाल में रखें और उसको पूरा अपने चेहरे पर घुमाएं तब तक जब तक बर्फ के जो क्यूब्स हैं वो पूरे के पूरे गल ना जाए। उसके बाद टॉवल से उसको पोछे नहीं, ऐसे ही रहने दें, वो अपने आप ही सूख जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 30 साल से ऊपर के हैं और आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हैं, प्रेग्नेंट नहीं हैं, तो आप रेटिनॉल इस्तेमाल करें और रात को ही इस्तेमाल करें क्योंकि दिन में ये रिएक्ट कर जाता है। तो रात को रेटिनॉल लगाने से भी रिंकल्स कम होते हैं। इसके साथ आप अपने जब बाहर जाते हैं तो चश्मे जरूर पहनें क्योंकि धूप जब लगती है तो हम अपनी आंखों को इस तरीके से सिकोड़ते हैं जिसके कारण क्रो फीड, जो आंखों वाले रिंकल्स हैं, वो बहुत जल्दी पड़ते हैं। तो वो अवॉइड करें। इसके साथ जो मैंने सनस्क्रीन बताया था वो आपको जरूर लगाना है। विटामिन ई आप अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा लें। इसके साथ विटामिन ई के जो कैप्सूल्स आते हैं उसको अपनी आंखों के किनारे अच्छे से मसाज कर सकते हैं, फिर पूरे चेहरे पर उसको लगा करके सो जाइए, उससे भी आपकी झुर्रियां कम होंगी। आशा करती हूँ कि आज का जो सेशन है मेरा झुर्रियों के ऊपर वो आपको अच्छा लगा हो। कमेंट में जरूर बताइएगा कि 21 दिन बाद आपको कुछ फर्क नजर आया या नहीं आया। तो चलिए मैं आपको दोबारा मिलूंगी किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।